So before starting my presentation, let me know. I would like to tell that my presentation will include the definition of Samsarjan Kram and the purpose of Samsarjan Kram, the commencement of Samsarjan Kram, course of Samsarjan Kram, Samsarjan Kram according to Bala of the patient, also types of Samsarjan Kram described in Granthas and its practical approach, then benefits of Samsarjan Kram, and the various Kruta Anna Vargas in different diseases, also case presentation. As we all know, the definition, the Samsarjan Kram, uska literally meaning jo hota hai, wo hota hai ki jodna ya badana, usko English mein acclimatization bolte hai, ki jaise ki Samsarjan Kram literally means a graded administration of the diet, isme डाइट जो है इंट्रोडक्शन करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप किया जाता है, वो लघु आहार से शुरुआत करके गुरु आहार तक, ताकि अग्नि का जो डाइजेस्टिव पावर है, पाचन शक्ति है, वो सुधारने के लिए हम लोग लघु आहार से शुरू करके गुरु आहार तक जो क्रम फॉलो करते हैं उसको संशोधन क्रम कहा गया है। संशोधन क्रम बेसिकली ज़्यादातर हम लोगों को पता रहता है कि शोधन के पश्चात उसका उपयोग किया जाता है। ज़्यादातर संशोधन क्रमों का उपयोग जो है वो वमन विरेचन के पश्चात इसका उपयोग बोला गया है ग्रंथों में, और वैसे ही हम लोग करते ही है। साथ में शमन चिकित्सा में भी हम इसका कहाँ पे उपयोग कर सकते हैं ये हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे। तो व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड द संशोधन क्रम? एज वी ऑल नो, संशोधन क्रम जो है वो शोधन पश्चात दिया जाता है। तो शोधन पश्चात जो है वो शरीर की अवस्था क्या रहती है, तो चरक सिद्धिस्थान 12वें अध्याय में बहुत ही खूबसूरती से वर्णन किया है कि अत खलु आतुरम वैद्यः संशोधि वमनादि भी दुर्बलम कृशम अल्पाग्निम मुक्त संधान बंधनम निरुतम अनिल विनमूत्र कफपित्तम कृशाशयम शून्य देहम प्रतिकार सहिष्णु परिपालयत। शोधन के पश्चात शरीर में द्रव धातु और अपव्यय धातु का ह्रास हो जाता है या क्षय होता है, उसकी वजह से रिडक्शन इन द फिजिकल स्ट्रेंथ बलक्षय भी होता है, और इसके वजह से अपनी जो अग्नि है उसकी भी क्रिया मंद हो जाती है या अल्प हो जाती है। तो ऐसे अवस्था में शरीर में कृशता उत्पन्न होती है, दुर्बलता उत्पन्न होती है, अल्प अग्नि होता है, मुक्त संधान बंधन मतलब अंग शैथिल्य रहता है, संधि शैथिल्य रहता है, सभी जो आशय रहते हैं उनमें से अच्छी तरह से शोधन होने के बाद वीना मूत्र कफ और पित्त इन सभी भाव पदार्थों का शोधन होने के बाद वहाँ पे आशयों में शून्यता उत्पन्न होती है, और ऐसे शरीर में कोई भी प्रतिकार असहिष्णु मतलब कोई भी प्रतिकार सहन करना शरीर के लिए असंभव रहता है। तो ऐसे शरीर को हमेशा परिपालन करना चाहिए। वो कैसे करना चाहिए तो ये अगले श्लोक में बताया है चरक ने कि यथाअंडम तरुणम पूर्णम तैलपात्रम यथैव च गोपाल इव दंडिगाह सर्वस्माद् अपचारतः। जैसे कि पक्षी जो है वो अपने तरुण अंडे का रक्षण करता है, जैसे तैलपूर्ण पात्र का रक्षण करना चाहिए, जैसे गोपाल जो है जो गो का है या अजा का है जो रक्षण करता है दंड में हाथ में लेके, वैसे ही अपने को रुग्ण का जो है इतने डेलिकेटली उसके हेल्थ स्टेटस का जो है या उसके स्वास्थ्य के बारे में हम लोगों को उसका ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए इंसिडेंस ऑफ डिप्लीशन रेंडर्स डेलिकेट हेल्थ स्टेटस एंड डिमांड्स मेटिकुलस केयर ऑफ कन्वलसेंट। इसलिए आहार्य द्रव्यों से लेके जो पेयादि क्रम बोला गया है उनका और आहार्य क्रम ये सभी संभालना ऐसे संशोधन के पश्चात रुग्णों में आवश्यक रहता है। ऐसा क्यों आवश्यक रहता है? क्योंकि संशोधन के पश्चात जो दोष द्रवीकरण होकर आमाशय में आते हैं उसमें दोषों में आमाशय में शोभ उत्पन्न करते हैं और अग्निमांड्य उत्पन्न होता है। शोधन के पश्चात प्रबुद्ध मल और दोषों का शोधन होता है, इसलिए अभ्यवरण शक्ति कम रहती है और पचन शक्ति भी कम रहती है, इसलिए उनका हमेशा रक्षण करना चाहिए। तो इसकी चिकित्सा क्या करनी चाहिए कि इट इज ट्रीटेड बाय सप्लीमेंटेशन ऑफ लिक्विड्स। जैसे कि बोला गया कि निरुत अनिल वीन मूत्र कफ पित्तम कृशाशयम शून्य देहम प्रतिकार असहिष्णु परिपालयत।
जैसे कि कहा गया है कि शोधन के पश्चात द्रव धातु या आप धातु का शरीर से बहुत ज्यादा निर्हरण हो जाता है, तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए हमेशा द्रवयुक्त आहार या जलमहाभूत प्रदान आहार्य द्रव्य का उपयोग में लाना जरूरी रहता है। उसके पश्चात जो बलक्षय हुआ है, बलभ्रंश हुआ है, उसको बैलेंस करने के लिए हमेशा रोहणीय द्रव्यों का उपयोग करना चाहिए। इसीलिए चरक सूत्र स्थान 16वें अध्याय में बोला गया है कि भेषज शपित पथ्यम आहार एवं भ्रूणम घृतमांस रस क्षीर रुद्र युषु उपसंहित है। जैसे कि आहार द्रव्य बोले गए हैं घृत मांस मांस रस क्षीर रुद्र द्रव्य युष, इन सभी द्रव्यों का उपयोग भ्रूणार्थ और पथ्य में करना चाहिए। साथ में ही विहारात्मक जो बोले गए हैं कि अभ्यंग उत्सादन है, स्नान है, अनुवासन है, इनका भी उपयोग बलक्षय और बलराज जो हुआ है शोधन के पश्चात उसको स्थापित करने के लिए इसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। और जो अग्निबंध हुआ है उसके लिए क्या करना है, तो अग्नि संदूक्षणार्थम तु पूर्वम पेयादिनम भिषक, उसमें उसमें हमेशा जो फूड है, जो आहार है, जो अपने पचन के लिए और अग्नि के लिए आवश्यक है और उचित है, ऐसे द्रव्यों का उपयोग करना चाहिए। उसके लिए हमेशा पेयादि का उपयोग करना चाहिए। तो ये जो संसयन क्रम बोला गया है कब से शुरू करना है, संसयन क्रम जो है वो हमेशा कैन बी स्टार्टेड ऑन द सेम डे इन द इवनिंग, मतलब जिस दिन शोधन होता है वमन और विरेचन होता है उसी दिन में सायंकाल से संसयन क्रम का शुरुआत करना है पेयादि क्रमों का। इफ ए लिटिल विटिएशन दैट इज औषध द्रव्य अगर शरीर में उपस्थित है, पूरी तरह से शोधन नहीं हुआ है, तो संसयन क्रम शोध जो है वो अगले दिन से शुरू करना है। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। इसलिए हमेशा रुग्ण की शुद्धि कैसी हुई है, प्रवर शुद्धि हुई है, मध्यम शुद्धि हुई है, अल्प शुद्धि हुई है या शुद्धि हुई नहीं है, ये हमेशा देख करके ही उसमें संसयन क्रम शुरू करना चाहिए। इसका ड्यूरेशन कितना रहता है संसयन क्रम का, तो अगर प्रवर शोधन होता है तो इसमें 7 दिनों तक संसयन क्रम देना चाहिए। और उसमें अन्नकाल मतलब कितना फ्रिक्वेंटली उसको आहार देना है, तो दिन में 2 बार इसके अकॉर्डिंगली 12 अन्नकाल 7 दिन में होने चाहिए। मध्यम शुद्धि अगर होती है तो उसको 5 दिनों तक संसयन क्रम करना चाहिए और उसको 8 अन्नकाल देने चाहिए। अगर आवर शुद्धि होती है तो उसमें 3 दिनों तक संसयन क्रम देना चाहिए और उसमें 5 अन्नकाल देने चाहिए। सुश्रुत ने डल्लन टीकाकार ने रुग्ण के बलानुसार भी अन्नकाल कितने होने चाहिए उसके बारे में वर्णन किया है। अगर रुग्ण का बल उत्तम है, प्रवर है, तो उसमें 3 अन्नकालों का योजना करनी चाहिए। अगर रुग्ण का बल मध्यम है तो उसमें 2 अन्नकालों का योजना करनी चाहिए। और उसका अगर बल आवर है या हीन है तो उसमें 1 अन्नकाल की योजना करनी चाहिए। और जो रुग्ण का बल है उसको कैसे असेसमेंट करने हैं या कैसे जज करना है, तो उसके उपचय मतलब शरीर का उपचय जो है वो कृश है, मध्यम है या स्थूल है, उसके अकॉर्डिंगली उसके प्रवर मध्यम या आवर बल का असेसमेंट करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली हमें अन्नकल का नियोजन करना चाहिए। नेक्स्ट है कि मानी की शुद्धि से भी संसय क्रमों का वर्णन बोला गया है। सुश्रुत के टीकाकार डल्लन ने भी शोधन के पश्चात जितने दोष बाहर आते हैं उसके अकॉर्डिंगली शुद्धि बोली गई है और उसके अकॉर्डिंगली ही अन्नकाल है या संसयन क्रम कितनी बार फॉलो करना चाहिए वो बोला गया है। अगर हीन शुद्धि है तो अगर दोषों का प्रमाण जो है निरहरी जो है वो 1 प्रस्थ है तो उसको हीन शुद्धि बोलते गए बोला गया है और उसमें संसयन क्रम जो है शुरुआत 11वें पान से करनी चाहिए। इसमें 1 प्रस्थ का जो है अगर शोधन चिकित्साएं होती है उसमें 1 प्रस्थ इक्वल टू 13.5 पल बोला गया है। अगर भैषज या औषध द्रव्यों का वर्णन करते हैं या भैषज कल्पनवा में अगर प्रस्थ का उपयोग किया जाता है तो 1 प्रस्थ इक्वल टू 16 पल बोला गया है, लेकिन शोधन के इसमें 1 प्रस्थ इक्वल टू 13.5 पल, इसलिए 540 ml वो अप्रोक्सीमेशन आता है। तो अगर इन शुद्धि हुए तो उसमें यावागु करना है। नेक्स्ट है आधा अड़क मतलब 1080 ml
अगर उसमें दोषों का निर्हरण हुआ है तो उसकी मध्यम शुद्धि जाननी चाहिए और उसको पेया जो है वो दो अन्न काल में शुरू करनी चाहिए। अगर दोषों का शोधन जो है, प्रमाण जो है वो एक अडक मतलब 2160 ml निकला है तो उसकी उत्तम शुद्धि है हुई है यह जानना चाहिए, और उसमें पेया जी जो क्रम है वो 3 बार देना चाहिए, 3 अन्न काल में उसको शुरू करना चाहिए। ये सभी शोधन जो है वो गमन विरेचन के पश्चात जो प्रमाण बोले गए हैं उसके लिए यहाँ पे लागू करके हम लोग उसमें अन्न काल जो है वो शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो संशय क्रम बोले गए हैं उसमें कौन कौन से प्रकार बताए गए हैं। ग्रंथों में संशय क्रम के 5 टाइप्स मिलते हैं, जैसे कि पेयादि क्रम जो हम लोग रूटीनली फॉलो करते हैं, पेया विलेपी मंड। नेक्स्ट है तर्पणादि क्रम, जिसमें लाजा मंड होता है, सत्तु होता है। रस संशय क्रम, जिसमें दो दो रसों का युग्म करके बोला गया है। चौथा है मांस रस क्रम और पांचवा है लघु आहार क्रम। इसको एक एक करके हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट जो है वो है पेयादि क्रम। पेयादि क्रम में क्या होता है कि प्रोग्रेसिव चेंज रहता है फ्रॉम लिक्विड फूड्स टू सेमी सॉलिड एंड फ्रॉम सेमी सॉलिड टू सॉलिड्स। इसमें जो रहता है कि अगर एलोपैथिक शास्त्र या आधुनिक शास्त्र के बारे में देखा जाए अनुषंग से, तो इसमें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का इंटेक दिया जाता है, फिर उसके बाद प्रोटीन्स और तीसरे बाद फैट का इंटेक दिया जाता है। ये 3 बेसिक कंपोनेंट्स बोले गए हैं जो बैलेंस डाइट के लिए उपयोगी रहते हैं। यही क्रम से देने के लिए बोला गया है कि पेया विलेपिम अकृतम कृतम च युषम रसम त्रि द्वि अत एकक क्रमेण सेवम विशुद्ध काया प्रधान मध्य अवर शुद्धि शुद्धा। अगर हम लोग सडनली उसको नॉर्मल डाइट शुरू करते हैं शोधन के पश्चात, तो एसिडिक और अल्कलाइन सिक्रीशन की वजह से जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है उसको डैमेज हो सकता है और आगे चल के गैस्ट्राइटिस या गैस्ट्रिक अल्सर जैसे व्याधियां उत्पन्न हो सकती है। इसलिए डायरेक्टली हम लोगों को नॉर्मल डाइट या प्रकृति भोजन शुरू करने इसके पश्चात पहले हम लोगों को पेया विलेपी इत्यादि क्रम से शुरू करना चाहिए। इसमें बोला सकते हैं कि अगर कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन से फैट्स देने हैं तो इसमें दूध है, एग्ज है, मीट है, एक साथ दे सकते हैं, लेकिन उसको भी डाइजेस्ट करने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ जो है कि एंजाइम्स की जरूरत रहती है। वो अगर पहले स्थापित नहीं होते हैं तो अगर गुरु आहार का सेवन किया जाता है तो उससे और पाचन शक्ति जो है, पाचन शक्ति जो है, जारण शक्ति है वो और बिगड़ सकती है और उससे और व्याधियों की उत्पत्ति हो सकती है। पेयादि क्रम का इंडिकेशन जो है उन्होंने बोला है कि जहाँ पे शुदा मांद्य है, जहाँ पे प्रवर शुद्धि हुई है और मध्यम शोधन हुआ है, ऐसे अवस्था में पेयादि क्रम शुरू करने हैं, और जहाँ पे कफशीन अवस्था है ऐसे अवस्थाओं में भी पेयादि क्रमों का वर्णन किया गया है। सुश्रुत के डल्लन टीका में जो लास्ट श्लोक दिया है ये बोला है कि तत्रा अत्यंत क्षीण कफा नाम पेयादि तेषामपि वात भूयिष्ठ नाम दिक्ताग्निनाम सा सात्म्य अपेक्षा मांसरस उपयोग दोष ऋतु प्रकृति अपेक्षा किंचित कफ युक्ता नाम युष उपदेश। अगर कफ अत्यंत क्षीण हुआ है शोधन के पश्चात उसमें पेयादि क्रम करना है, अगर वात भूयिष्ठ है, दिक्ताग्नि है, मांस साथ में है तो उसमें मांस रस प्रयोग करना है, और किंचित कफ दोष है तो उसमें यूशो का उपयोग करना चाहिए। ये जो रूटीनली प्रैक्टिकली हम लोग फॉलो करते हैं शोधन के पश्चात, गमन विरेचन के पश्चात उसकी शुद्धि कैसी है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे संशय क्रम का चार्ट दिया है, तालिका है। अगर प्रवर शुद्धि है तो उसमें 12 अन्नकाल होते हैं और उसका 7 दिन तक हम लोग करते हैं, और 13वां अन्नकाल जो रहता है उसका प्रकृति भोजन रहता है। उसमें सभी फर्स्ट डे पे मॉर्निंग में शोधन प्रोसीजर होती है वमन विरेचन, उसके पश्चात ही हमेशा इवनिंग में संशय क्रम शुरू करना चाहिए। तो प्रवर शुद्धि में 3 पेया आती है, 3 अन्नकाल पेया रहते हैं, 3 अन्नकाल विलेपी रहती है, 3 अन्नकाल यूष रहते हैं। उसमें से यूष जो है वो 1ला अन्नकाल में अकृत देना है और 2 अन्नकालों में कृत यूष देना है, और फिर 10वें से 12वें अन्नकाल में मांस रस देना है। उसमें से 1ला 10वां जो अन्नकाल है वो अकृत मांस रस देना है और 11वां 12वां जो है कृत मांस रस है। अकृत का मतलब रहता है कि जो स्नेह वर्जित है, लवण वर्जित है, जो केवल यूष है
ऐसा उसको अकृत बोलते हैं। और जो कृत है वो स्नेह युक्त, लवण युक्त और कटु युक्त, जिसको हम लोग बोलते हैं कि तड़का लगा के जो करते हैं वो सभी कृत में आते हैं। तो मध्यम में भी वैसे ही बोला गया है, खाली अन्न काल जो है वो दो दो बोले गए हैं, मतलब दो पेया, दो विलेपी, दो युष, दो मांस रस, और फिर उसके पश्चात प्रकृति भोजन। और हीन या अवर शोधन में एक एक अन्न काल बोला गया है सभी का, पेया है, विलेपी है, युष है, मांस रस है, और उसके पश्चात प्रकृति भोजन करने के लिए बोला गया है। तो ये तालिका हमेशा आपके क्लिनिक में होनी चाहिए कि अगर रुग्ण का प्रवर शुद्धि हुई है, मध्यम शुद्धि हुई है या हीन शुद्धि हुई है, उसका असेसमेंट करके ही हम लोगों को पेया कितने अन्न काल देने हैं या हम लोग विचार करके उसको दे सकते हैं। इसमें कौन कौन से कृत अन्न वर्गों का उपयोग किया गया है या फूड प्रिपरेशन है, उसमें है पेया, विलेपी, अकृत कृत युष, अकृत कृत मांस रस और ओदन, मतलब जो भात बोलते हैं उसको या चावल। इसकी व्याख्या बोली गई है कि सिक्त कह रही तो मंडा हा, पेया सिक्त समन्विता हा, यवागु बहु सिक्ता स्यात् विलेपी विरल द्रवा इति। जो मंडा है वो सिक्त कह रही था, मतलब जो तंदुल के सिक्त रहते हैं, इसको मराठी में शीत बोलते हैं, वो छोड़ के जो केवल पानी रहता है उसको मंड कहा गया है। पेया जो है वो सिक्त समन्विता, मतलब उसमें पानी भी रहता है और साथ में सिक्त, मतलब अल्प प्रमाण में उसका चावल भी रहता है, उसको पेया कहा गया है। यवागु जो है वो बहु सिक्ता स्याद विलेपी विरल द्रवा इति। यवागु जो है वो बहु सिक्त, मतलब उसमें लिक्विड की क्वांटिटी जो काफी कम रहती है, और विलेपी में भी ज्यादातर घन मतलब सॉलिड जो रहता है उसकी क्वांटिटी ज्यादा रहती है। जैसे पहले कहा गया कि अकृत युष जो है और कृत, अकृत मतलब स्नेह लवण आदि असंस्कृत, जो स्नेह और लवण के बिना उपयोग में लाया जाता है उसको अकृत कहते हैं, और कृत युष में स्नेह लवण आदि संस्कृत, मतलब स्नेह लवण आदि, मतलब स्नेह लवण और कटु द्रव्यों से संयुक्त करके उसको कृत फॉर्म में दिया जाता है। ये जो है प्रिपरेशन जो मेथड्स है, जो मंड है, यवागु है, पेया है, विलेपी है, युष है, माउसरस है, इन सभी की प्रिपरेशन मेथड्स यहाँ पे दिखाई गई है। में किससे बनाई जाती है, उसका वाटर का रेशियो, मतलब उसमें जल का अंश कितना होना चाहिए पकाते समय, वो यहाँ पे बोला गया है। मंड जो है उसमें चावल उसके साथ 14 गुना पानी करके उसको पकाना है। उसका जो है कैरेक्टर्स बोले हैं तो वो विदाउट स्कम या ग्रुवेल ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, कि मतलब उसमें जो जाड़ा है सॉलिड है वो कोई उसमें नहीं रहता, खाली लिक्विड द्रव द्रव्य का ही उसमें प्रयोग करते हैं, उसको मंडा बोला गया है। इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो दीपन और पाचन बोली गई है। नेक्स्ट आता है यवागु। यवागु जो है चावल के साथ पानी का जो प्रपोर्शन है वो 6 गुना रहता है और उसको पकाया जाता है। और इसमें लिक्विड बहुत ही कम मात्रा में रहता है। ये प्रॉपर्टीज जो है या गुण जो है वो ग्राही है, बल्य है, तर्पण है और वातानाशक है। ऐसा कहा है पेया। पेया जो है इसमें 14 गुना पानी डाल के इसको पकाया जाता है, और यह भी सेमी सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड ग्रुवेल फॉर्म में रहता है, ज़्यादातर लिक्विड रहती है इसमें। यह भी इसके गुण जो है वो पथ्य है, दीपन है और पाचन है। विलेपी जो है इसमें 4 गुना पानी डाल के पकाया जाता है, मतलब ये गाढ़ा रहता है, और इसको पेस्ट ऑफ ग्रेन भी बोलते हैं, मतलब सॉलिड फॉर्म में तो पकाया गया है ऐसा रहता है। इसके गुणकर्म जो है वो पथ्य है, दीपन है, पाचन है, और सबसे अलग है उसका कि बस्ती शोधन करने वाला भी यह द्रव्य है। नेक्स्ट है युष। युष जो है वो शिम्बी धान्यों से बनाया जाता है। इसमें पानी का रेशियो जो है वो 18 गुना शिम्बी धान्य, मतलब मुद्ग है, कुलत है, उसके 18 गुना पानी लेके उसको पकाया जाता है। ये सेमी सॉलिड फॉर्म में उसका उपयोग कर सकते हैं।
ये इसके गुण कर्म जो है वो कफहर है, दीपन है, पथ्य है और रुद्य है। नेक्स्ट आता है मांस रस। मांस रस में जो है इसमें वाटर का प्रपोर्शन जो है या रेशियो जो है ये 2 गुना या 4 गुना रहता है, और इसका कैरेक्टर से मतलब इसमें मांस खंड का उपयोग नहीं करते, खाली उसके ऊपर का जो पानी है उसका उपयोग मिलाते हैं। इसके गुण कर्म जो है वो वात पित्त नाशक है, क्रमहर है, बलवर्धक है और रुद्र कहे गए हैं। जैसे कि बोला गया ये सभी क्वांटिटीज, उसी का हम लोग बोल सकते हैं कि उसकी कंसिस्टेंसी कैसे रहती है। पेय जो है वो मोर लिक्विड रहता है और राइस जो है स्मॉल क्वांटिटी में रहता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स लेस क्वांटिटी में रहता है। नेक्स्ट है विलेपी, इसमें राइस ज़्यादा रहता है, सॉलिड क्वांटिटी ज़्यादा रहती है और लिक्विड लेस रहता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की इंक्रीज होते हैं। कृतयुष, ये पल्स मतलब शिम्बी धान्य मुद्गयुष, उसकी कंसिस्टेंसी कैसे रहती है। पेय जो है वो मोर लिक्विड रहता है और राइस जो है स्मॉल क्वांटिटी में रहता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स लेस क्वांटिटी में रहता है। नेक्स्ट है विलेपी, इसमें राइस ज़्यादा रहता है, सॉलिड क्वांटिटी ज़्यादा रहती है और लिक्विड लेस रहता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की इंक्रीज होते हैं। कृतयुष, ये पल्स मतलब शिम्बी धान्य मुद्गयुष, लवण वर्जित और स्नेह वर्जित रहता है। इसमें प्रोटीन कंटेंट्स रहते हैं। कृतयुष ये शिम्बी धान्य युष स्नेह और लवण युक्त, इसमें प्रोटीन्स के साथ फैट भी रहते हैं। अकृत मांस रस, फैट प्रेजेंट इन मांस एंड प्रोटीन, इसमें भी प्रोटीन के कंटेंट्स अधिक रहते हैं। और कृत मांस रस में फैट रहता है, प्रोटीन्स इन मांस एंड सप्लीमेंट और फैट एंड सॉल्ट, इसमें भी प्रोटीन और फैट का इंक्रीज रहता है ज़्यादा क्वांटिटी में। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि शास्त्र के अनुसार जो बोले गए कि 3 बेसिक कंपोनेंट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन, इससे इंक्रीजिंग क्वांटिटी में बढ़ा के हम लोग उसको बैलेंस डाइट और नॉर्मलाइज डाइट शुरू करने के लिए मदद होती है। नेक्स्ट है संशय क्रम जीवन बाय आचार्य कश्यप। कश्यप संहिता में भी प्रैक्टिकल अप्रोच करके बोला गया है कि संशोधन पश्चात फर्स्ट डे पे इवनिंग में उनको मंड प्रदान यवागु देनी चाहिए, सेकंड डे पे यवागु, तीसरे दिन पे वृक्ष और उष्ण विलेपी, उसको दीपनीय द्रव्य और सैंडव से सिद्ध करके वृक्ष और उष्ण विलेपी देनी चाहिए, चौथे दिन में अकृत मुद्ग मंड उदन के साथ सेवन करने के लिए कहा गया है, पांचवें दिन में मुद्ग मंड और उदन उसको ईषत अम्ल फल के साथ सिद्ध करके देने के लिए कहा गया है, 6 और 7 डे को कृत मुद्गमंड विथ ओदन और उसको भी अम्ल फल और स्नेह द्रव्य से साबित करके उसको देने के लिए कहा गया है, 8वें और 9वें दिन तनु कृत मांस रस विथ ओदन और 9वें दिन ईषत कृत मांस रस विथ ओदन एंड स्नेह कहा गया है, 10वें 11वें दिन कृत मांस रस विथ ओदन और स्नेह अम्ल फल सैंडव से साधित करके उसको सेवन करने के लिए कहा गया है, और 12वें दिन से प्रकृति भोजन हम लोग शुरू कर सकते हैं। आचार्य काश्यप जी ने एक बहुत ही यूनिक कंसेप्ट या जो किसी भी ग्रंथ में नहीं दिखते कि संशय क्रम के सम्यक लक्षण भी कश्यप ने उपकल्पनीय अध्याय में बोले गए हैं। जब हम लोग मंड और पेया लेते हैं तो उसके भी सम्यक लक्षणों का यहाँ पे वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि शिरोललाट रुद्रग्रीवा वृषणो हो साग शंख के स्वेदशेत पीतमंडस्य सम्यक शुद्धम तमादिशित। मतलब मंड सेवन के पश्चात अगर शिरोललाट हृदय ग्रीवा वृषण शंख प्रदेश में स्वेदन उत्पत्ति होती है तो सम्यक शुद्धि हुई है ऐसा हम लोग जान सकते हैं। उसके पश्चात उद्गार प्रवर्तन वात कर्मभ्याम विशुद्धाभ्याम दिने दिने निरुपद्रवम पुष्टिभ्याम सम्यक शुद्धम विनिर्देशित। जैसे कि उद्गार प्रवर्तन है, शुद्ध उद्गार प्रवर्तन उत्तर उत्तर दिनों में उत्पन्न होता है, कोई भी उपद्रव उत्पन्न नहीं होते, बल की पुष्टि होती है, ऐसी अवस्था में भी सम्यक शुद्धि हुई है यह हम लोग जान सकते हैं। नेक्स्ट आता है तर्पणादिक्रम। तर्पणादिक्रम जो है ये कफ पित्त अवस्था में हम लोग दे सकते हैं, जहाँ पे दोषों का अल्प प्रवर्तन हुआ है या अल्प दोष शोधन हुए हैं ऐसे अवस्था में तर्पणादिक्रम देना है। जो मद्यपी रुग्ण है
और जिसको वात पित्त की दृष्टि है ऐसे अवस्थाओं में भी तर्पणादि क्रम का उपयोग कर सकते हैं। तर्पणादि क्रम में भी चार अन्नकाल कहा गए हैं। इसमें पहले अन्नकाल में लाजामंड देना है, वो कफ पित्त हर है, ग्राही है, पिपासा ज्वरहर है। सेकंड जो है वो सत्तू देने के लिए बोला गया है, जो गेहूं से बनाया जाता है, बार्ली से बनाया जाता है, वो लघु संतर्पण बल्य रहता है। तीसरे इसमें मांसरस भक्त के साथ दे सकते हैं, उदन के साथ, वो लघु है, विशद है और उष्ण गुण युक्त रहते हैं। भागवत के टीकाकारों ने भी कुछ बदलाव के साथ अन्नकाल कहे हैं। अरुण दत्त ने लाजा और सत्तू एक ही अन्नकाल में कहे गए हैं। दूसरे अन्नकाल में जीर्ण शालिओदन कहा गए हैं। तीसरे अन्नकाल में मांसरस और ओदन का सेवन करने के लिए कहा गया है। परमेश्वर करके टीका जो है भागवत पे, उन्होंने भी लाजा सत्तू एक अन्नकाल में कहा गया है। दूसरे अन्नकाल में युष और अन्न भोजन कहा गया है, और तीसरे अन्नकाल में मांसरस और अन्न इसका सेवन करने के लिए कहा गया है। इसमें भी क्या रहता है कि पेयादि क्रम से ही मिलता जुलता रहता है। इसमें पेया इज रिप्लेस बाय फ्लोर ऑफ लाजा विथ एडिक्वेट वाटर, मतलब जो कुक्ड चावल रहता है उसको लाजा बोलते हैं, उसको यहाँ पे उपयोग मिला जाता है। और विलेय भी यहाँ पे रिप्लेस होती है, वो लाजा मंडा के साथ हम लोग दे सकते हैं। अदर पार्ट ऑफ द डाइट शेड्यूल रिमेंस द सेम, तो जो अन्नकाल है वो काफी सेम ही रहते हैं उसके पश्चात। जैसे कि डिफरेंस क्या है, पेयादि क्रम और तर्पणादि क्रम कहाँ पे यूज करना है। पेयादि क्रम जो है वो प्रवर और मध्यम शुद्धि के पश्चात यूज करना है। तर्पणादि क्रम आवर शुद्धि के पश्चात यूज करना है, मतलब मंड शुरू करना है और विलेय पी और फिर युष दे सकते हैं। दोषमय क्षीण कफ अवस्थाओं में पेयादि क्रम देना है। तर्पणादि क्रम जो है वात पित्त प्रधानता में और कफ पित्त अल्प शोधन अवस्थाओं में तर्पणादि क्रम देना है। अन्नकाल जो है प्रवर शुद्धि में 12 कहे गए हैं, मध्यम शुद्धि में 8 और अवर शुद्धि में तर्पणादि क्रम में 4 अन्नकाल देने के लिए कहे हैं। तो पठ्य कल्पना कौन कौन सी है, इसमें पेया विलेपी युष और मांसरस का उपयोग होता है, और तर्पणादि क्रम में लाजा स्वच्छ तर्पण या लाजा घन तर्पण इसको मंड कह सकते हैं, और युष इनका उपयोग यहाँ पे कर सकते हैं। स्पेशल इंडिकेशन बोल सकते हैं कि मद्यपी या अल्कोहलिक पेशेंट्स में तर्पणादि क्रमों का ज्यादा उपयोग करना है। नेक्स्ट आता है रस संचयन क्रम। अभी पेयादि क्रम तर्पणादि क्रम के पश्चात सुश्रुत और चरक ने प्रकृति भोजन शुरू करने के पहले किसी कोई रसों का उपयोग बोला है, ताकि अग्नि संदूक्षणार्थ हो अग्नि संदूक्षणार्थम तु पूर्वम पेयादि न भिषक रस उत्तरेण उपाचरित क्रमेण क्रमों को विधा। उसमें सर्वप्रथम पहले स्निग्ध अम्ल स्वादु रुद्य रसात्मक द्रव्यों का सेवन आहार के साथ भी कर सकते हैं या इन द्रव्यों का सेवन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अम्ल लवण रसात्मक, फिर उसके बाद आता है स्वादु तिक्त रसात्मक द्रव्यों का सेवन, और फिर लास्ट आता है कषाय कटु रसात्मक औषधीय द्रव्यों का सेवन। ये जो द्वंद्व बोले गए हैं इनको अन्यन्य प्रत्येनिका नाम रसानाम स्निग्ध रुक्ष है, ये स्निग्ध युग्म है, रुक्ष युग्म है, तो ये दो कॉम्बिनेशन में यूज किया गया है। इनका रोल जो रहता है, पहला जो युग्म है स्निग्ध युग्म, वो पक्वाशयगत वात का शमन करने के लिए उपयोग ला सकते हैं। अम्ल लवण रसात्मक जो युग्म है वो अग्नि संदूक्षणार्थ इसका उपयोग करते हैं। स्वादु तिक्त रसात्मक जो है वो पित्त शमनार्थक इसका उपयोग करते हैं। कषाय कटु रस जो है वो कफ शमन के लिए इसका उपयोग करते हैं। सुश्रुत में भी यही कहा गया है, कुछ फर्क बोला है। सर्वप्रथम उन्होंने स्वादु तिक्त रस बोला है, फिर उसके पश्चात स्निग्ध अम्ल लवण कटु रस कहा गया है, और फिर उसके पश्चात स्वादु अम्ल लवण और फिर स्वादु तत्व रस इसका सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट आता है रस संसर्जन क्रम जो है, तैयारी के साथ भी हम लोग मिला के दे सकते हैं। ये किस लिए देना है कि संक्रम जैसे कि कहा शालीपेया है, विलेपी है, इनके साथ अलग अलग द्रव्यों से सिद्ध अम्ल स्वादु रसात्मक है, अम्ल लवण रसात्मक सिद्ध द्रव्यों का उपयोग कर सकते हैं पेयादि क्रम के साथ। तो जो युग्म बोले गए हैं उनको एक एक अंडकाल में इसका यूज करके हम लोग प्रकृति भोजन करने के पहले हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। रस संसर्जन फॉलोइंग पेयादि, ये किस लिए करना चाहिए कि इन पर्सन नॉट अंडरगोइंग संपूर्ण और पुनः शोधन,
वमन के पश्चात जिनको विरेचन नहीं करना है, ये रस श्लोक में कहा गया है कि रसाभ्यास क्रमम एवं स्निग्धाम्ल स्वादुरुदय इत्यादि पेया क्रम उत्तर कालम यदा विरेचनादि कर्मानंतरम न कर्तव्यम। मतलब वमन के पश्चात विरेचनादि कर्म नहीं करने हैं, तो ऐसे अवस्थाओं में प्रकृति भोजन स्थाप भोजनार्थम बलम अपयनार्थम चायम रसाभ्यास क्रमो ने, मतलब उसके बल का वृद्धि करने के लिए सर्वप्रथम हम लोगों को पेयादि क्रम पश्चात रस संचयन क्रम का फॉलो करना चाहिए, ताकि उसको जल्दी से जल्दी बल प्राप्ति जो रास हुआ है वो प्राप्त हो सके। उसके बाद रस उत्तर क्रम, मतलब जिसमें बहुत सा रसों का वर्णन किया है कि कौन से अवस्था में देना है, कि इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग अग्नि, मतलब जिसका अग्नि तीक्ष्ण है, दीप्ताग्नि है, ऐसे अवस्थाओं में मांस रस की शुरुआत करनी है, और जिसको वातभूयिष्ठ है, जिसमें वात आधिक्य है, ऐसे अवस्था में मांस रस का सेवन करना चाहिए। उसके पास पश्चात मांस साथ में जिसको है, ऐसे अवस्थाओं में भी इसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तो अनुसार अगर संशय क्रम देखा जाए, यही हम लोग समराइज करें तो उसको बोल सकते हैं कि अगर अत्यंत क्षीण कफ है तो उसमें पेयादि क्रम का अवलंबन करना चाहिए, और वातभूयिष्ठ दीप्ताग्नि है, ऐसे अवस्थाओं में मांस रस का संसर्ग क्रम सेवन करना चाहिए, और कफयुक्त है तो ऐसे अवस्थाओं में युषादि प्रदान संसर्ग क्रम का सेवन करना चाहिए। इन सभी के पश्चात पेयादि क्रम है, तर्पणादि क्रम है, रस सेवन क्रम है, फिर मांस रस सेवन क्रम है, उसके पश्चात हमेशा भ्रूवन करना चाहिए, कि जो भ्रूवन है वो हमेशा औषधीय द्रव्यों से न करते हुए हमेशा आहार्य द्रव्यों से करना चाहिए। न्यूट्रिशन बाय वे ऑफ फूड सप्लीमेंटेशन ही हमेशा करना चाहिए, ब्रुवन बाय मेडिकेशन इज नॉट आइडियल। इसमें हमेशा बोला गया है कि जो भेषज है वो वीर्य प्रदान रहते हैं, इसके वजह से जो अत्यंतिक प्रतिकार असहिष्णु ऐसा शरीर हुआ है, ऐसी अवस्थाओं में वो भेषज का वीर्य प्रदानता भी सहन नहीं कर सकता, इसलिए भेषजस्य वीर्य प्रदानस्य तदा दुस्सहत्वात्, इसलिए हमेशा उसको आहार्य द्रव्यों का, जैसे कि घृत है, मांस रस है, क्षीर है, ऐसे द्रव्यों से सिद्ध करके उसको भ्रूण करना चाहिए। देख सकते हैं कि संचरण क्रम में हमेशा कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कि जैसे कि अश्व महादोत्तर भाव कहे गए हैं, उन सभी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, ताकि वो रुग्ण जो है वो अपनी प्राकृतिक अवस्था में आ सके, शरीर स्वास्थ्य उसको जल्दी से प्राप्त हो सके। इसलिए जैसे कि बोला गया कि उच्छ भाषा है, अत्याशन है, अतिस्थान है, अतिचंक्रमण है, क्रोध शोक मानस हेतु है, इत्यादियों का भी सेवन नहीं करना चाहिए, दिवास्वाप है, ये सभी चीज़ों का वर्णन वर्ज्य करना चाहिए, ताकि उसमें जो है प्रकृति स्थापन है और स्वास्थ्य उत्पत्ति जल्दी आ सके। इसके साथ ही हम लोग क्या कर सकते हैं सपोर्टिव मेजर्स में, तो उसको अभ्यंग दे सकते हैं, विहारात्मक उत्साहन दे सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, निरुह अनुवासन, इन सभी द्रव्यों का भी उपयोग कर सकते हैं। ये सभी चीज़ों का करके हम लोग उसका बल का शीघ्रता प्राप्ति कर सकते हैं, और उसको दीर्घजीवित आयुष्य और निरोगी आयुष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सभी जो है उसके बेनिफिट्स का है संसर्ग क्रम के, ये तो हम सभी को पता है कि यथा अनु अग्नि पूर्ण गोमाया देह संदुक्षमाणो भवति क्रमेण महान स्थिर सर्वपचस्तव शुद्ध से प्यारी भी अंतर अग्नि। जो संसर्ग क्रम है इसके फलश्रुति में हमेशा क्या होता है कि अग्नि का वर्धन करना ये प्रमुख उसका प्रयोजन रहता है, तो ये अग्नि अगर वर्धमान होता है संसर्ग क्रम के पश्चात तो ये स्थिर रहता है और महान मतलब दीप्ताग्नि रहता है, और सर्वपचस्तव जो भी आहार्य द्रव्य है वो पचन करने के लिए सक्षम रहता है, तो हमेशा ये संचरण क्रम का फॉलो करना चाहिए शोधन के पश्चात। तो ये फॉलो करने के पश्चात कि प्रकृति स्थित या स्वस्थ पुरुष के लक्षण कैसे जानने हैं, कि सर्वक्षम हो यह संसर्ग हो रतियुक्त स्थिर इंद्रिया बलवान सत्व संपन्नो विज्ञा प्रकृति गता। तो सर्वोत्तम हो मतलब जो कोई भी कष्टदायक काम है वो सभी सहन करने में वो समर्थ रहता है, ये असंसर्ग हो मतलब
वात मल मूत्र का विबंध नहीं रहता है। प्रतियुक्त मतलब प्रसन्न युक्त स्थिर इंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय से युक्त रहता है, बलवान रहता है और उसका सत्व गुण भी बढ़ता है, मतलब फिजिकल के साथ मेंटल हेल्थ भी उसकी प्रस्थापित होने में मदद होती है। तो यह अगर अच्छे से श्वसन क्रम फॉलो करते हैं तो उसके लाभ बोले गए हैं। ये हम लोगों ने शोधन के इसमें श्वसन क्रम का जो महत्व है इसके बारे में देखा। कहीं शमन चिकित्सा में श्वसन क्रम कहाँ पे हम लोग उपयोग में ला सकते हैं? चरक सिद्धांत 6 अध्याय में कहा गया है कि बभितस्य विरिक्तस्य मंदाग्निश्च विलंगितः अग्निप्राण विवृद्ध्यर्थं क्रमं पेयादिकं भजेत। जैसा कि वमन पश्चात है, विरेचन पश्चात है, हम लोग श्वसन क्रम करते हैं, उसके साथ ही जहाँ पे मंदाग्नि है, जहाँ पे लंघन करना अपेक्षित है, जहाँ पे अग्नि बढ़ाना है और प्राण का रक्षण करना है, ऐसे अवस्थाओं में भी हम लोग पेयादि क्रम का उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे ही जो कृतान्न है ये हम लोग कहाँ कहाँ पे उपयोग में ला सकते हैं, वैसे ही चरक सूत्र स्थान 2 अध्याय में अपामार्ग तंडुली अध्याय में 28 प्रकार के यवागु का वर्णन किया गया है। इसका हम लोग चिकित्सा में रुग्णों को पथ्य सेवन करते समय भी इसका हम लोग उपयोग में ला सकते हैं। अगर रुग्ण औषधीय द्रव्यों का सेवन ज्यादा नहीं कर सकते तो हम लोग आहार्य द्रव्यों में भी उसको सिद्ध करके, औषधि सिद्ध करके उसका उपयोग ला सकते हैं। दीपणी और शुलग्न यवागु कहा गया है जिसमें पंचकोल का उपयोग किया है। पाचनी और ग्राही यवागु जो है जिसमें कपित्थ, बिल्व, चांगेरी, चक्र और दाढ़िमपेय का उपयोग है। पंचमूला पेय जहाँ पे बृहत पंचमूल है उनसे बनाए हुए पेय भी वातज अतिसार में उपयोगी लाई जाती है। शालीपर्णी, बला, बिल्व, कृष्णपर्णी, दाढ़ीम सिद्ध पेय यह भी कफ पित्त जातिसार में हम लोग दे सकते हैं। साथ में ही हम लोग धान्य पंचक जो है शरंगर में कहा गए उनका भी उपयोग हम लोग अतिसार में कर सकते हैं। अजादुग्ध, उशीर, उत्पल, मुस्ता पेय इनसे सिद्ध पेय भी हम लोग रक्त अतिसार में उपयोग में ला सकते हैं। अतिविषा, शुंठी, अम्ल द्रव्यों से सिद्ध पेय या आम अतिसार में उपयोग में ला सकते हैं। इसमें भी गोक्षुर, कंटकारी, पानित सिद्ध पेय यह भी मूत्र वृक्षों में उपयोग में ला सकते हैं। विडंग, पिपली मूल, शिग्रु, मरीच, टक्र, साधित जो यवागु है ये कृमिनाशक कही गई है। ऐसे ही मृद्विका, सारिवा, लाजा, पिपली, मधु और शुंठी सिद्ध यवागु ये पिपासा नाशक कही गई है। सोमराजी मतलब बाकुची सिद्ध जो यवागु है वो विषकण है। वराह मांस रस साधित जो यवागु है वो सर्वोत्कृष्ट ब्रुवानीय द्रव्यों में आती है। इससे सत्तु मधु युक्त जो यवागु रहती है वो कृशताजनक या कार्श्य कारक रहती है। फिर स्नेहनीय यवागु का वर्णन करते समय उसमें तैल और घृत की प्रचुर मात्रा में और साथ में सैंडव लवन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि कुश और यवक और अमल की साधित यवागु जो है वो रुक्षणीय करती है। दशमूल सिद्ध पेय जो है ये ज्यादातर हम लोग प्राणव सर्गस के विकार जहाँ पे है जैसे कि कास है, श्वास है, हिक्का है और कफ का शमन करना है, ऐसे अवस्थाओं में हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। मदिरा सिद्ध यमक से साधित जो यवागु है वो पक्वाशय में स्थित शूल जहाँ पे है ऐसे अवस्था में इसका उपयोग कर सकते हैं। मांसरस, शाक, उड़द दा और तिल साधित जो यवागु है वो मल निस्सारण या मलसारक कही गई है। मल संग्राही उसमें हम लोग जम्बू, आम्र और कपित्त बिल्व साधित यवागु दे सकते हैं। मल भेदक ऐसे एक यवागु का भी वर्णन किया है जिसमें शार है, चित्रक, हिंगू और आम्लवेतस साधित कर सकते हैं। अभया, पिपली मूल और शुंठी साधित यवागु भी जो है वो वात अनुलोमन करती है। चक्र साधित यवागु जो है वो घृत जन्य व्यापज जो है या स्नेह व्यापज जिसमें कहे गए हैं, जिसमें घृत से स्नेह व्यापज उत्पन्न होते हैं, ऐसे अवस्थाओं में चक्र साधित यवागु दे सकते हैं। तैल से उत्पन्न जहाँ पे व्यापज होते हैं वहाँ पे चक्र और पिंडक साधित यवागु दे सकते हैं। विषम ज्वर में गौ मांस रस सिद्ध यवागु का पान करने के लिए कहा गया है। पिपली, आमल का क्वाथ और यमक घृत और तैल साधित यवागु जो है वो कंठ्य कही गई है।
कुकुटमाउंट सरस साधित जो यावागु रहती है, वो शुक्र मार्ग में जो जहाँ पे रुझा होती है वहाँ पे उसको उपयोग कर सकते हैं। है घृत क्षीर साधित माश दाल जो है वो कुछ मदनाशक कही गई है। अपामार्ग तंडुल गोदामांस रस और क्षीर साधित यवागु जो है वो तीक्ष्णाग्नि में जिसको भस्मक जैसे व्याधि है ऐसी अवस्था में इसका उपयोग कर सकते हैं। ये यहाँ पे चरक सूत्र स्थान दूसरे अध्याय में जो यवागु का वर्णन है 28, इनका भी हम लोग आहार्य तौर पे उपयोग में ला सकते हैं। विभिन्न अवस्थाओं में वैदिक अवस्थाओं में इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि कृतान्न कल्पनाओं का कहाँ कहाँ पे और चरक में उपयोग कहा गया है, तो स्नेहपान के अनुपान के विषय में भी चरक ने युष का उपयोग जो है वो तैल के साथ अनुपान के लिए उपयोग बोला गया है। तैल युक्त स्नेहपान जब लेते हैं तो, और वसा मज्जा का स्नेहपान जब लेते हैं तो मंड का अनुपान लेने के लिए कहा है। वैसे ही प्रविचारणा जो 24 स्नेह है उपकल्पनाएं है स्नेहन किसके साथ देना है उसमें भी उदन विलेपी मांसरस यवागु और युष इनका भी कृतानों का वर्णन किया है। इसमें भी हम लोग स्नेहपान के लिए भी इसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि सद्य स्नेहन में भी पांच प्रसूतिक पेया का वर्णन किया है जिसमें भूत तैल वसा मज्जा और क्षीर सिद्ध बहुस्नायुक्त ऐसी जो एक एक प्रसरूत लेके इसको जो बनाते हैं उसको पांच प्रसूतिक पेय बोलते हैं। ये भी जहाँ पे तुरंत स्नेहन की अपेक्षा है या सद्य स्नेहन की अपेक्षा है यहाँ पे हम लोग पांच प्रसूतिक पेय का उपयोग कर सकते हैं। और भी चरकाचार्य है मंड के गुण राजा मंड के गुण कहे हैं कि मंड जो है वो स्वेद जनन कहे है। जैसे हम लोगों ने देखा कि कश्यप संहिता में बोला है कि मंड पहले के बाद सम्यक लक्षण जो कहे गए हैं कि स्वेद जनन जो है तो होना चाहिए, तो उसमें मृदु करोति स्वतः साम स्वेदम संजनयति उसके साथ ही वात का अनुलोमन होता है और ये सभी जो मंड है वो दीपन है लघु है और प्राण का धारण करने वाले हैं। वो लाजा जो है लाजा मंड जो है वो श्रमग्न है कंठ भी कही गई है साथ में तृष्णा अतिसार शमन करने के लिए कहीं इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ में ही ये दाह मूर्छा निवारण के लिए भी उपयोग में ला सकते हैं। मंदाग्नि विषमाग्नि साथ में ही जो बालक है जो वृद्ध है और जो सुकुमार है ऐसी अवस्थाओं में भी इसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। यही लाजा मंडा अगर हम लोग पिंपली और शुंठी से सिद्ध करते हैं तो ये और भी लघु हो जाती है। और यही लाजा अगर पिंपली और शुंठी से सिद्ध होती है तो यह रुद्र काम करती है और वातानुलोमन का भी कर्म अच्छे से होता है। तो जहाँ जहाँ पे भी शमन चिकित्सा में हम लोग पिपासा है या ज्वर में भी हम लोग लाजा मंडा का उपयोग कर सकते हैं। अग्निवर्धन को सर पेया का भी वर्णन ऐसे ही कहा है। पेया जो है वो तृष्णा ग्लानि दौर्बल्य कुक्षि रोग ज्वरापहा स्वेद अग्नि जननी पेया वात वर्षा अनुलोमनी ये चरक का रेफरेंस है। साथ में वाग्भट ने सुश्रुत ने भी यही सब चीजें बोली हैं। साथ में पेया इसका वर्णन करते समय ये बस्ती शोधन करने के लिए भी इसका उपयोग हम लोग ला सकते हैं। जैसे कि मूत्रपुच्छ की अवस्था है या मूत्रोदक के जहाँ पे व्याधि है ऐसे अवस्थाओं में भी हम लोग विविध औषधि सिद्धियों से पेया दे सकते हैं। विलेपी जो है के गुण जो है वो रुद्र है ग्राही है बलवर्धन करने वाली है पथ्या है और शुदानाशक है और तृष्णा जो है तृष्णाहार कही गई है ये भी संतर्पण करने वाली है वृक्ष है बलवर्धन है। अगर इसको हम लोग शाक मांस फल से साधित करते हैं तो ये सभी विलेपी जो रहती है ये भ्रूण करने वाली है वृक्ष है और संतर्पण करने वाली है। इसके साथ ही मांस रस का वर्णन जो है वो सुश्रुत ने कहा है कि ये सबसे प्रीणन करने वाला है जैसे कि हम लोगों ने बोला। और अपेय और सवन जैसे कि पेया विलेपी युष और लास्ट में मांस रस आता है तो
तो जिससे पार्थिव घटक है या शरीर में अपव्ययन होने की आवश्यकता है, बलवर्धन की अपेक्षा है, संवहन की अपेक्षा है, ऐसे अवस्थाओं में इसको हम लोग माउस रस का उपयोग ला सकते हैं। ये साथ में ही हम लोग जहाँ पे ज्वर से क्षीण हुआ व्यक्ति है, ऐसे अवस्था में, क्षत व्यक्तियों में, उरक्षत, ऐसी अवस्थाओं में भी हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ में है ओजोनाश यहाँ पे है, या स्वरहीनता है, ऐसे अवस्थाओं में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। और पुरुष व्यक्तियों में भ्रूणार्थ भी माउस रस का उपयोग कर सकते हैं। और अल्पर इत्तेसम जहाँ पे शुक्राशय की अवस्था है, ऐसी अवस्थाओं में कुक्कुट माउस रस है या कुक्कुट अंड माउस रस है, इसका भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं। शुक्राचार्य ने विविध यशों का वर्णन बोला गया है। ये सभी रेफरेंसेस जो है वो सुश्रुत के हैं। उन्होंने मुद्गय यश जो है वो प्रायः कफक ने कहा है, दीपन है, और व्रणा अवस्थाओं में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। कृत और अकृत फॉर्म दोनों में भी हम लोग उपयोग में ला सकते हैं। तो जहाँ पे भी वुंड हीलिंग के पेशेंट्स रहते हैं या रुग्ण रहते हैं, तो ऐसे अवस्था में हम लोग मुद्गय यश का पत्ते दे सकते हैं। साथ में ही पंचाफ्यूज करके एक सूत्र में कहा है, जिसमें पांच द्रव्य हैं, मसूर है, मुद्गा है, गोदूम है, उलत्त है और लवण। इन पांचों द्रव्यों से बनाया हुआ जो यूष है वो वात व्याधियों में उपयोगी है और कफ पित्त अविरोधी है। तो जहाँ जहाँ पे वात व्याधि है, संधिगत वात है, तो और उपस्तंभित है, संधिगत वात, इन सभी अवस्थाओं में हम लोग मसूर, मुद्गा, इन सभी द्रव्यों से सिद्ध यूषों का उपयोग कर सकते हैं। मृदिकादि यूष जो मृद्विका और दाढ़ी युक्त जो यूष बनाया है वो स्पेसिफिकली हम लोग वात व्याधियों में और अर्जित जैसे व्याधियों में इसका उपयोग करते हैं। रोचन है, ये दीपन है, रुद्य है और ये लघु है। नेक्स्ट है पटोलादि यूष। पटोलादि यूष जो भी है वो भी हम लोग उसमें पटोल निम्ब यूषा, इसमें पटोल है और निम्ब से सिद्ध जो यूष करते हैं वो कफहर है, मेदो विशोषणों कहा है, इसलिए जहाँ पे स्थौल्य के रुग्ण है, ओबेसिटी के रुग्ण है, इसमें भी हम लोग पटोलादि यूष का उपयोग कर सकते हैं। पुरुषतम्भ जैसी व्याधियों में जहाँ पे कफ मेद अवरोध है, ऐसे अवस्था में हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। पित्तघ्न है, ये दीपन है, रुद्य है, इसको साथ में हम लोग कृमि है, कुष्ठ, ज्वर, ऐसा कहा गया है। जैसे भी स्किन कंडीशंस है इसमें भी हम लोग पटोलादि यूष का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे मूलक यूष भी कफोमेद और गलग्रह गल रोगों का नाश करने वाला है। साथ में ही प्राणवसोतस के जो विकार है, श्वास है, काश है, प्रतिशाय है, ऐसे अवस्थाओं में भी इसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है कुलत्तयुष। कुलत्तयुष जो है वो भी हम लोग प्राणवसोतस के विकार जैसे कि श्वास है, पीनस है, ऐसे अवस्थाओं में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। वो वातहर भी है और मूत्राशय से रिलेटेड जो कोई भी वेदना है या मूत्रकुच्छ की अवस्था है, ऐसे अवस्था में भी जहाँ पे तुनि प्रतितुनिवत वेदना है, ऐसे अवस्थाओं में भी, या अश्मरी है, अश्मरी भेदन अर्थ भी हम लोग कुलत्त यूष का पथ्य दे सकते हैं। नेक्स्ट है दाढ़ीम अमल का यूष। दाढ़ीम और अमल का सिद्ध यूष जो है वो रुद्य है, वो लघु है सबसे, वो प्राणजनक है और अग्निवर्धक है, वैसे ही मूर्छा नाशक है और मेदोग ने भी कहा है। और जहाँ जहाँ पे वात पित्त व्याधि है या वात पित्त दोष का प्रकोप है, ऐसे अवस्थाओं में हम लोग दाढ़ी अमल का यूष का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है मुद्गा अमल का यूष। मुद्गा अमल का यूष जो है वो ज्यादातर ग्राही है और पित्त कफज अवस्थाओं में हितकर है। ये सभी जो है दाढ़ी अमल का है, मुद्गा अमल का है, स्त्री रोगों में जहाँ पे पीसीओडी सर्किट कंडीशन है, ऐसे अवस्थाओं में भी हम लोग इसको पथ्य के तौर पे हम लोग इसको बता सकते हैं। नेक्स्ट है यव कोल कुलत्थ यूष। ये भी कंठ्य कहा गया है और वातहर कहा है। तो जहाँ जहाँ पे स्वर भेद जैसे लक्षण है, ऐसे अवस्थाओं में भी हम लोग यव कोल कुलत्थ का यूष बता सकते हैं। तो इन शॉर्ट समराइज करते हैं ये सभी लेक्चर का। तो संसर्जन क्रम क्या है कि ये सप्लीमेंटेशन ऑफ लिक्विड्स एंड न्यूट्रिशन इज द मेन ऑब्जेक्टिव, बोल सकते हैं प्राइम मोटो। तो लिक्विड डाइट से शुरू करके सेमी सॉलिड डाइट और फिर सॉलिड डाइट, प्रकृति भोजन, ये संशोधन क्रम कर सकते हैं।
इसके बेनिफिट्स क्या है, होता है कि ये इम्प्रूविंग अग्नि अग्निवर्धन होता है, और प्रकृति भाजन प्रकृति भोजन स्थापन करना इसका मेन टारगेट रहता है। इसमें हम लोग काफी सारे ऑप्शन जैसे देखे कि पेयादि क्रम है, तर्पण आदि क्रम है, रस संचयन क्रम है, और मांसा रस का उपयोग इसमें हम लोग कर सकते हैं। या हम लोग रुग्ण का शोधन कैसे हुआ है उसके अकॉर्डिंगली हम 3 से लेकर 7 दिन तक कर सकते हैं। पेयादि क्रम मिक्स विथ रस संचयन क्रम भी हम लोग इसको उपयोग में ला सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा कि सुश्रुत के कई सारे रेफरेंसेस हैं यूषा के बारे में, वो भी हम लोग शमन चिकित्साओं में इसको उपयोग कर सकते हैं पथ्य फॉर्म में। और जैसे कि चरक ने 28 प्रकार की जो यवागु कही है उसका भी उपयोग हम लोग व्याधि के शमनार्थ भी पथ्य स्वरूप में इसका कर सकते हैं। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ यूषा कैन बी यूज अकॉर्डिंग टू द डिसीज। जैसे कि हम लोगों ने देखा ये सभी जो है ये कृतान्न काल में आते हैं। तो अन्न प्रशस्ति कही गई है कि सभी अपना जो आरोग्य है, बल है, जो प्राण है, अग्नि है, ये सभी जो है ये अन्न और पान के उपरांत ही आधारित रहते हैं। इसके ऊपर ही अग्नि अपनी प्रज्वलित रहती है, तो इसलिए हमेशा पथ्यकर आहार कर सेवन करना ही उचित रहता है। इसलिए कहा गया है कि प्राणा प्राणभूतम अन्नम लोकोऽभिधावति वरणा प्रसादः सौसौर्यम जीवितम प्रतिभा सुखम। मतलब अगर उचित प्रकार से पथ्यकर आहार सेवन का उपयोग होता है तो वर्ण प्रसादन होता है, कंठ रहता है वो जीवित का रक्षण करता है, तुष्टि पुष्टिकर रहता है, बलवर्धक रहता है, मेधाकृत रहता है। तो ये सभी जो कहे गए हैं ये पथ्यकर आहार अगर सेवन करते हैं तो इसका उपयोग हम लोग ला सकते हैं। लास्ट पॉइंट जो है वो है केस प्रेजेंटेशन, कि हम लोग संचयन क्रम का उपयोग कहाँ पे ला सकते हैं, कौन से अवस्थाओं में ला सकते हैं, उसके बारे में एक थोड़ा सा प्रेजेंटेशन करना चाहूँगा। कि एक 47 ईयर्स की रुग्णा थी, उसको लक्षण में वेदना विशेष उभयजाणु संधि शूल था, शोथ था, कटि शूल था, ग्रह था, कटि टू वामपाद तल तक संचारी वेदना थी, दाह थी, ये सभी उसको 1 साल से था। वो सभी एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स ले रही थी, लोकल एंड ओरल एनाल्जेसिक स्टीरॉयड सिंस 1 ईयर। उसका हम लोगों ने निदान किया कि उपस्तंभित संधिगतवाद, उसको चिकित्सा में सर्वप्रथम उपस्तंभित होने के वजह से, मार्गावरोध होने की वजह से सबसे पहले हम लोगों ने उसको, और उसका वेट भी ज़्यादा था, 97 kg था, उसके वजह से भी ये सभी लक्षण व्याधि उत्पत्ति और लक्षण बढ़ाने के लिए हेतु थे। इसलिए सबसे पहले उसको हम लोगों ने संचयन क्रम दिया 7 दिनों का, और साथ में ही पंचक्रम चिकित्सा भी, पत्र वोक्लिस्वेद योगवस्थिक्रम, और शमन चिकित्सा में कुंडनवादी गुगुल त्रिकोणा गुगुल वात विध्वंस रस दशमोपवार। ये संचयन क्रम 7 दिन का जैसे कहा गया है उसी फॉर्मेट में हम लोगों ने शुरू किया। मतलब तो दो दो अन्य काल उसमें पेया जिलेपी अकृतयुषा कृतयुषा अकृत मांस रस कृत मांस रस, ये 12 अन्नकाल दिए, और 13वें अन्नकाल से उसको प्राकृत भोजन शुरू किया। तो ये 7 दिनों में उसमें क्या क्या फर्क दिखाई दिए, उसके 7 दिनों में जो लक्षण थे उसमें 60 to 70% उपशम मिला था। जैसे कि जानु संधि शूल है, शोथ है, वो 60 to 70% उसमें कम हुआ था, अटी शूल ग्रह यह भी कम हुआ था, और साथ में उसको अंग लागव उदर लागव ये सभी लक्षण उसमें उत्पन्न हुए थे। तो अगर हम लोग डाइट का भी पथ्य अगर सेवन करते हैं अच्छे तरह से तो उसके काफी अच्छे रिजल्ट औषधीय द्रव्यों के साथ मिलते हैं। तो इसका हमेशा उपयोग करना चाहिए, जैसे कि स्थूल पेशेंट है, उपस्तंभित वात व्याधि है, ऐसी अवस्थाओं में उसके कुछ फाइंडिंग्स है। तो पेशेंट में हम लोगों ने जैसे शुरू किया 7 दिन में, तो उसमें क्या क्या फर्क दिखलाई दिए वो में हम लोगों ने दिखाई है चार्ट में। उसको डाइट क्या क्या था, तो 7 डेज तक दिया, तो फर्स्ट डे पेया, सेकेंड डे विलेपी, थर्ड डे अकृतयुष मुद्गयुष, फोर्थ डे कृतयुष, फिफ्थ डे अकृत मांस रस, सिक्स डे कृत मांस रस, और फिर 7वें दिन से जो है उसको प्राकृत भोजन किया। उसके वेट में कितना फर्क दिखा, ये 7 दिनों में उसका कम से कम 4.5 kg लॉस हुआ, 97 से लेके 92.7 तक।
और साथ में ही उसका हम लोगों ने, जैसा कि मेधोवृत्ति में कहा गया है कि उदर स्थान और स्पीकर लंबनम रहता है, तो उसमें हम लोगों ने चेस्ट रीजन के सरकमफरेंस लिए थे, साथ में ही अम्बिलिकस मतलब उदर प्रदेश में भी उसका सरकमफरेंस लिया था। ये सभी मेजरमेंट्स वो सेंटीमीटर्स में है। उसके बाद आर्म्स में मतलब बाहु प्रदेश में भी, दक्षिण और वाम बाहु, और साथ में ही पादो प्रदेश मतलब थाई रीजन में, उरु रीजन में भी दक्षिण और वाम के लक्षणों का हम लोग सरकमफरेंस मेजर किए थे फर्स्ट डे और लास्ट डे में। तो चेस्ट सरकमफरेंस जो था उसका 104 सेंटीमीटर था फर्स्ट डे, तो 7 दिन के बाद उसका 101.5 सेंटीमीटर था। उधर जो है उसके मेजरमेंट थे फर्स्ट डे पे जब सरकम स्टार्ट किया तो 115 सेंटीमीटर थे, तो उसको हम लोग ने नियर अबाउट 109.5 सेंटीमीटर लास्ट डे पे था। साथ में ही राइट आर्म जो है 36, उसके बस 35.5, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई दिया, लेकिन उधर और उरव प्रदेश में काफ़ी हद तक मेधा संचिति जो थी वो ह्रास हुई थी, वो कम हुआ था, मेधा का क्षरण हुआ था इस संशोधन क्रम से। तो ये सभी हम लोग अगर ऐसे रुग्ण आते हैं, स्थूल रुग्ण आते हैं या उपस्तंभित वात व्याधि वाले रुग्ण आते हैं, तो उसके हम लोग मेजरमेंट ले सकते हैं और उसका असेसमेंट हम लोग अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस लिसनिंग।